जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। हमने ब्लड कंपोजिशन पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि जो ब्लड है उसमें हमारे पास प्लाज्मा जो है वो 95% होता है, ठीक है, सॉरी हमारे पास 55% होता है, ठीक है। प्लाज्मा हमारे पास कितने परसेंट है? 55%। और हमारे पास जो ब्लड सेल्स होते हैं या ब्लड सेल लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास सारे जो जो ब्लड सेल्स कह रहे हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो ब्लड सॉरी सेल लाइक हैं लेकिन वो सेल नहीं है, ठीक है, उसमें प्लेटलेट्स आ जाते हैं, ठीक है, हम उनको डिटेल में देखेंगे। 45% हमारे पास क्या है जी? हमारे पास ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे? ब्लड बनाएंगे। हम एक डायग्राम ले आते हैं, देख लेते हैं कि ब्लड सेल्स हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और किस तरह हम उनको स्टडी करेंगे। जी ये हमारे पास डायग्राम आ गई है, ठीक है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास जी हमारे पास ब्लड सेल्स ब्लड ब्लड सेल आता है सबसे पहले, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, और इसकी वजह से हमारा जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आ गई है जी व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ये हमारे पास काफी सारे मौजूद हैं, आपको नजर आ रहे हैं। और हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, ये सेल लाइक स्ट्रक्चर है, कंप्लीट सेल नहीं, आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये तीन हमारे सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं जिनको हम आरबीसीज भी कहते हैं, ठीक है, ये हम इसकी डायग्राम भी देखिए, रेड ब्लड सेल्स जिसको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, साइट सेल को कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, मीन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, उनको हम कहते हैं लिकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, ये डब्ल्यूबीसीज भी हम कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं डब्ल्यूबीसीज, और इनको जनरल नाम इनका लिकोसाइट का, लिकोसाइट का मतलब, लिको का मतलब होता है कलरलेस, साइट मीन ऐसे सेल जो कलरलेस है, ठीक है, इनका कलर जो है वो रेड नहीं है बल्कि कोई भी कलर नहीं है, नो कलर, ठीक है। लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स जो है वो क्या करते हैं, हमारे पास काम करते हैं ब्लड को क्लॉट करने का, ठीक है, प्लेटलेट्स के स्पेलिंग से ही कर लेते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक हो गया। और ये सेल लाइक स्ट्रक्चर है, सेल कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें से सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है, देख लेते हैं रेड ब्लड सेल्स क्या काम है इनका और रेड सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स ऑफ कोर्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। हमारे पास जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, हम यहाँ लिख लेते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास एक क्यूबिक जो एक छोटा सा क्यूब जो जगह है जिसे मिलीमीटर कहते हैं, जब हम कोई यूनिट मेयर करते हैं किसी एरिया में तो देखते हैं कि एक क्यूबिक मिलीमीटर में कितने के सेल पाए जाते हैं, तो ये बहुत छोटा सा एरिया और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे पास सेल्स पाए जाते हैं 5 to 5.5 मिलियन, ठीक है, इतने सारे सेल्स हैं और ये हमारे पास मेल में पाए जाते हैं, ठीक है, मेल्स में रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होते हैं और फीमेल्स में कम होते हैं, ह्यूमन की बात हो रही है, इंसानों में जो खवातीन है उनमें हमारे पास कम सेल्स होते हैं आरबीसी, ठीक है, ये हमारे पास 4.4 to 4.5 मिलियन होती है, इसके कंपैरिजन में, मेल के कंपैरिजन में कम है, वैसे तो ये भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, फीमेल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखना ये है कि रेड ब्लड सेल्स की और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। रेड ब्लड सेल्स में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जब वो बनता है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेकिन स्टार्ट में, सिर्फ स्टार्ट में, जब वो बनता है ना अभी, तब हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सिर्फ स्टार्ट में, फिर क्या होता है कुछ देर बाद जब वो मेच्योर हो जाता है तो उसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है न्यूक्लियस उसका, ठीक है, फिर वो सिर्फ सेल रह जाता है और ये सिर्फ मैमल्स में होता है। मैमल्स जो है हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनके स्किन पे बाल होते हैं, ठीक है, और जो के मिल्क फीडिंग करते हैं अपने बच्चों की, ठीक है, तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास हायर ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें ह्यूमन भी शामिल है, तो उसके अंदर ये न्यूक्लियस जो है लॉस्ट हो जाएगा और इसके बाद फिर जब ये लॉस्ट हो जाएगा तब वो ब्लड में शामिल होंगे, ठीक है, तब वो ब्लड में एंटर होंगे। और ये हमारे पास बनते कहाँ पर है, ये हमारे पास बनते हैं बोन मैरो में, ठीक है। अब हम देखते ही हैं कि रेड ब्लड सेल्स की क्या शेप है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसमें कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये हमारे पास डायग्राम आ जाएगी, ठीक है, डायग्राम में आप देख रहे हैं जी, हम डायग्राम में इजीली देख सकते हैं, हमारे पास आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स जो कि ब्लड के अंदर मौजूद है, आपको काफी सारे नजर आ रहे हैं, ठीक है, और कनकेव इनकी शेप है, बाई कनकेव हम इन्हें कहते हैं, ठीक है, हम इनको यहाँ लिख लेते हैं कि कैसी शेप है इनकी, बाई कनकेव, कनकेव थोड़ा सा कर्व होता है, जिस तरह एक मिरर हमारे पास एग्जाम्पल होती है लेंस की ना, कनकेव हम उन्हें कहते हैं, कर्व जिसे पढ़ा हो, तो बाई कनकेव है, दो कर्व है इसके अंदर, ये आपको कर्व नजर आ रहे हैं, ठीक है, बाई कनकेव, ठीक हो गया। और ये इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो इलास्टिक होती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, इलास्टिक इसकी मेम्ब्रेन होती है, यहाँ हम लिख लेते हैं मेम्ब्रेन
जो है वो क्या है, इलास्टिक होती है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, इसके अंदर 90% हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, 95%, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। कि देखिए हीमोग्लोबिन का हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि एक प्रोटीन है, ठीक है। ये जो प्रोटीन है जो क्या काम करती है, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। प्रोटीन की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन है और ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2 जो हम सांस लेके अंदर जाते हैं, तो ये हीमोग्लोबिन जो कि RBCs के अंदर मौजूद है, ये आपको नजर आ रहा है, हमने यहाँ फिट कर दिया, यही हमने यहाँ फिट किया हुआ है। तो ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन का। यहाँ पर देखें ऑक्सीजन अभी आई है, ठीक है। जब ये आएगी तो इसके साथ आके अटैच होगी, यहाँ पे अटैच हो गई, दरमियान में आपको इसका मिलती हुई नजर आ रही है, तो रेड ब्लड सेल्स के साथ ये मैच हो चुकी है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आ जाता है RBCs का फंक्शन, हम ये कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट करती है किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास बाकी जो चीज़ें रह जाती हैं इसके अंदर, बाकी चीज़ें क्या रह जाएंगी रेड ब्लड सेल्स में, हमारे पास और क्या चीज़ें पाई जाएंगी, 5% सॉल्ट आ जाएगा, ठीक है, सॉल्ट्स आ जाएंगे, और इसके अलावा प्लस एंजाइम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा है कि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि हीम है, जिसे हम कहते हैं कि वो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, प्रोटीन है, जो कि कैरी करती है ऑक्सीजन के साथ, रिएक्ट कर जाती है, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरी बॉडी में। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि ह्यूमन में जो है वो कहाँ पर ये बनते हैं, जैसे कि हमने बताया था बोन मैरो में बनते हैं। RBCs जो है वो हमारे पास बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है, बोन मैरो जो कि हमारी बैक बोन है, ठीक है। RBCs रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं, ये बोन मैरो में बनेंगे, ठीक है। बोन मैरो का जो गुदा होता है, जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, उसके अंदर बोन मैरो जो है उसके अंदर ये बनते हैं, फिर ये बाद में ब्लड में शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, जो अभी एम्ब्रियो मीन जब एक इंडिविजुअल डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, जैसे ह्यूमन का जो इंडिविजुअल है, फीटल है, फीट जो बेबी है, जब वो अभी पैदा नहीं हुआ होता, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके ब्लड, उसके RBCs कहाँ बनते हैं, तो उसकी जो RBCs हैं फीटल डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है ना, फीटल के अंदर ये बनते हैं लीवर और स्प्लीन में। जब उसकी लीवर और स्प्लीन बन जाती है, ठीक है, क्योंकि अभी वो कंप्लीट इंडिविजुअल नहीं बना होता, इसलिए उसकी लीवर स्प्लीन में बनती है। और जो अडल्ट होते हैं हमारे पास, जो एक ह्यूमन बन जाता है या इंसान जो बाकी हमारे पास, मतलब अभी बेबी के अलावा जो है, ठीक है, तो हमारे पास अडल्ट होते हैं, जब बेबी की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो फिर हमारे पास उसके बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर फिर उसके बोन मैरो ही बनाते हैं। और बोन मैरो ये बनाते रहते हैं क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, इसका लाइफ स्पैन, इसकी ज़िंदगी बहुत कम होती है, ये सिर्फ 120 डेज तक जिंदा रह सकते हैं और फिर इनकी डेथ हो जाती है, मीन के ख़त्म हो जाते हैं। और कैसे ख़त्म होते हैं, फेगोसाइटोसिस के थ्रू, जो कि है खुद ही चीज़ों, जो हमारे पास सेल होते हैं अपने ही सेल्स को जो है वो खा जाते हैं, ठीक है, फेगोसाइटोसिस इस प्रोसेस कहते हैं, साइटोसिस की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, साइटोसिस, ठीक हो गया। और ये हमारे पास कहाँ पर होता है, लीवर और स्प्लीन में, ठीक है, ठीक है, लीवर में और स्प्लीन में, जो कि लीवर जो है ब्लड को जब क्लीन करता है तो उसमें ये सब कुछ होता है, ठीक है। हालांकि आप देख रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब एक बेबी की डेवलपमेंट हो रही है, तब लीवर स्प्लीन इसे बना रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ इसकी डिग्रेडेशन हो रही है, फेगोसाइटोसिस हो रही है, इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, ये इसको ब्रेक करते हैं, किसको, RBCs को। तो आज हमने पढ़ा है ब्लड सेल्स के बारे में, जिसने हमने RBCs को देखा, जिसके सेंटर में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। इसके अलावा जो हमारे पास बाकी दो सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, उनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।